नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगी लक्ष्मी पूजन होगी धन की वर्षा, जानिए दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त, लक्ष्मी पूजन की पूर्ण विधि और महत्व। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को हर वर्ष दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इस दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है। लक्ष्मी पूजन से पहले दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त, लक्ष्मी पूजन की पूरी विधि और महत्व। दीपावली हिंदुओं के सबसे प्रमुख और बड़े त्योहारों में से एक है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को हर वर्ष दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली के दिन विधि विधान से लक्ष्मी पूजन करने पर दरिद्रता दूर होती है और सुख समृद्धि और बुद्धि का आगमन होता है। मान्यता है कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी धरती पर आकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। कार्तिक कृष्ण अमावस्या पर 27 अक्टूबर को प्रदोष काल में अमावस्या होने से इस दिन दीपावली मनाई जाएगी। लक्ष्मी पूजन प्रदोष युक्त अमावस्या को स्थिर लग्न व स्थिर नवास में किया जाना सर्वश्रेष्ठ होता है। इस दिन अमावस्या दोपहर 12:23 पर आएगी। ज्योतिषाचार्य चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि लक्ष्मी पूजन का श्रेष्ठ समय प्रदोष काल में शाम 5:45 से रात 8:19 तक रहेगा। शाम 6:53 से रात 8:50 तक वर्ष लगन रहेगा। रात 7:05 से 7:18 तक प्रदोष काल स्थिर वर्ष लगन व स्थिर कुंभ का नवास रहेगा। लक्ष्मी पूजन का समय दीपावली पूजन के सर्वश्रेष्ठ समय प्रदोष काल शाम 5:45 से 8:11 तक रहेगा। वर्ष लगन शाम 6:53 से 8:50 तक रहेगा। सिंह लगन मध्य रात्रि रात 1:23 से 3:39 तक रहेगा। शाम और रात के श्रेष्ठ चौघड़िये पूजन सामग्री लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, लक्ष्मी जी को अर्पित किए जाने वाले वस्त्र, कमल और गुलाब के फूल, पान का पत्ता, रोली, मोली, केसर, चावल, सुपारी, लौंग, फल, फूल, दूध, इत्र, खीर, पतासे, शहद, मिठाई, दही, गंगाजल, दीपक, रुई, कलावा, धूप, बत्ती, कपूर, इलायची, नारियल, कलश, साबुत धनिया, चांदी का सिक्का, आटा, तेल, लौंग, लाल कपड़ा, हल्दी की गांठ, कमल गट्टे, पंच मेवा, देसी घी, चांदी का सिक्का, गन्ना, चौकी और एक थाली। पूजा विधि, चौकी को साफ करने के बाद आटे की मदद से चौकी पर नवग्रह यंत्र बनाएं। कलश में दूध, दही, शहद, गंगा जल, लौंग इत्यादि भरकर उस पर लाल कपड़ा बांध दें और उसके ऊपर नारियल विराजित कर दें। नवग्रह यंत्र पर चांदी का सिक्का रखें और लक्ष्मी गणपति की मिट्टी की प्रतिमा स्थिर कर गंगा जल से स्नान कराएं। टोली और अक्षत से टीका करें तथा दीपक जलाएं। भगवान के विग्रह के बाईं तरफ यानी आपके दाहिनी तरफ देसी घी का दीपक जलाएं। दाहिने हाथ में भगवान को इत्र, अक्षत, फूल, मिठाई, पुष्प और जल अर्पित करें। इसके बाद आपके दाहिने हाथ यानी सीधे हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर लक्ष्मी गणेश सहित सभी देवों का ध्यान करते हुए पूजा का संकल्प करें। इसके बाद सबसे पहले गणपति और लक्ष्मी जी का पूजन करें, फिर दीपक पर रोली और अक्षत से टीका करें और जीवन को प्रकाशित करने के लिए दीपक और अग्नि देव को धन्यवाद करें।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं तथा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही रोचक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल बटन के आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।